Welcome students, this is chemistry by Asis sir and this is our sixth lecture on periodic classification of elements. बच्चों यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस, द टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड देयर जनरल ट्रेंड्स. इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूँ, जो हम पांच लेक्चर कवर कर चुके हैं उसके अंदर हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लास्ट जो अपना लेक्चर था फिफ्थ लेक्चर, उसमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल के बारे में डिटेल में पढ़ा था. मैं कहूँगा बच्चों वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए क्योंकि उसके अंदर सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का एक बेसिक दिया हुआ है. यस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो वहाँ पर लेक्चर आपका होने वाला है. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस एंड देयर जनरल ट्रेंड्स. इस लेक्चर में बच्चों हम एक्सेप्शंस जो होंगे एटॉमिक रेडियस के वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सेप्शन के लिए हमें पार्ट 7 यहाँ पर बनाना होगा जो कि अगला पार्ट होगा, जिसमें हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड 4D 5D सीरीज में जो एक्सेप्शन आता है उसको हम बच्चों वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के डिफरेंट टाइप्स एंड देयर जनरल ट्रेंड्स. सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एटॉमिक रेडियस के ऊपर. एटॉमिक रेडियस इतना छोटा तो वो एटम है और उसकी अब हमने रेडियस को काउंट करना है. रेडियस किस तरह से यहाँ पर एक एटम की निकाली जाए वो हमने पढ़ना है. बच्चों आपने अभी तक अपने प्रीवियस क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा कि एटम की रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. यस, एटम की रेडियस को डिफाइन करने का यहाँ पर तरीका क्या होगा कि आप उसके जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर पर खड़े हो जाइए और वहाँ से लेकर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों उसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस. हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. यस, आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर क्या होगा, द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम, जहाँ तक उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मैक्सिमम होती है. अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, आपको पता है कि जो ऑर्बिटल वर्ड होता है उसका मतलब होता है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे उसको, उस रीजन को हम कहते हैं, उस क्लाउड को हम कहते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स. एंड उन ऑर्बिटल्स की कोई फिक्स्ड बाउंड्री तो होती नहीं है. सो ये जो पुरानी डेफिनेशन है ये यहाँ पर आपके पास अप्लाई नहीं होने वाली है बिकॉज कुछ रीज़न है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो एटॉमिक रेडियस को हम यहाँ पर क्लियरली और एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते. फर्स्ट रीज़न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, अगर हमें किसी डिस्टेंस अगर हमने चेक करनी है तो हमें कम से कम उसका ओर छोड़ तो पता होना चाहिए कि कहाँ से हम कहाँ तक की डिस्टेंस को चेक करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री है ही नहीं, एटम की कोई बाउंड्री है ही नहीं. एटम के अंदर हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस पे खड़े होके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को चेक करना है. ठीक है भाई, चेक कर लेंगे. अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मिले तो सही कि वो कहाँ पर है. यस बच्चों, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी रीजन में होता है जिसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है. यहाँ पर जो बाउंड्री है इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड फिजिकल एंटिटी और इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली चेक करने के लिए. सो ये पुरानी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं चलने वाली. सो अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि एटॉमिक रेडियस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए. फिर सॉल्यूशन निकला कि क्यों ना एटम्स को जब वो बॉन्डेड स्टेट में हों, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, तब उनकी रेडियस को हम निकाल लें. यस, अगर वो बॉन्डेड स्टेट में है तो उनकी रेडियस को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है भाई, बॉन्डेड स्टेट में होते हैं. सो द ओनली वे टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम व्हेन इट इज़ इन बॉन्डेड स्टेट. अब यहाँ पर अपने पास डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स अपने पास रेडियस के आने वाले हैं. ये टाइप्स क्यों बने हैं, ये इतने सारे टाइप यहाँ पर चार टाइप में एटॉमिक रेडियस है, ये क्यों बनी है चार टाइप में. ये इसलिए बनी है क्योंकि जो दो एटम यहाँ पर बॉन्ड बनाए हुए हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो डिफरेंट टाइप का होगा. जैसे हम पढ़ चुके हैं कि
कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेटैलिक बॉन्ड होता है, तो इसके बेसिस पर इनकी एटॉमिक रेडियस को भी हम डिफरेंट टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों दो एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और हमने उनकी रेडियस को कैलकुलेट करना है, यस, तो उसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। अगर वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम कहेंगे वेंडरवॉल रेडियस। एंड मेटैलिक रेडियस और आयनिक रेडियस, इसी तरह से यहाँ पर ये चार टाइप एटॉमिक रेडियस के बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड जिससे वो दो एटम या मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सो हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस ऑब्वियसली किस में होगी बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमें कोवेलेंट रेडियस देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट है अपने पास कोवेलेंट रेडियस। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। यस, कोवेलेंट वर्ड जहां पर आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो दिमाग में सबसे पहले आती है कार्बन की कहानी। कार्बन बच्चों अपने पास है टेट्रावेलेंट, स्पेशल एटम है, कैटेनेशन करता है। यहाँ पर कार्बन के पास टेट्रावेलेंसी होने से वो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बढ़िया तरीके से बना रहा है। और कोवेलेंट रेडियस किसके लिए डिफाइंड हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले एटम्स के लिए डिफाइंड हो सकती है। एंड कोवेलेंट रेडियस इज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। इसका क्या मतलब है बच्चों, अपने पास अगर हम कहते हैं टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, अपने पास दो एटम हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने पास दो एटम हैं कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कंडीशन बच्चों अलग अलग आ जाती है। कंडीशन ये हो जाती है कि क्या वो दोनों एटम सेम है या वो दोनों एटम डिफरेंट है। तो बच्चों फर्स्ट केस हम यहाँ पर लेके चलते हैं, इफ द एलिमेंट्स आर सेम, अगर वो दो एलिमेंट बच्चों यहाँ पर सेम होंगे तो कोवेलेंट रेडियस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है, अपने पास ए एंड ए यहाँ पर दो एटम्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो ये शेयर्ड एरिया आपको ये ब्लैक शेडो में यहाँ जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो शेयर्ड एरिया है बच्चों, उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर शेयर हुआ है दोनों दोनों एटम्स का। ये ए एटम है, ये दूसरा ए एटम है, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, यस, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन की डोनेट या गेन होने से नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से बनता है। और जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो ये एरिया यहाँ पर शेयर्ड हो जाता है, इसको हम शेयर्ड एरिया कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर अपने पास कोवेलेंट रेडियस अगर हमने निकालनी है ए और ए के बीच की, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस यहाँ से इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, डी ए ए, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। यस, ए ए के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ भी क्या हो सकती है, ए ए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होगी। एंड कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी बच्चों डी ए ए डिवाइड बाई टू, मीन्स कोवेलेंट रेडियस इज द वन हाफ डिस्टेंस। हमने क्या कर देना है, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के जो न्यूक्लियस होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने हाफ कर देना है। यस, इनके बीच जो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है उसको हमने अगर हाफ कर दिया तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी, और ये कुछ इस तरह से एटम बॉन्डेड फॉर्म में दिखेगा आपको। जो सिंगल लाइन है, दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों बन। सेकेंड केस बच्चों अपने पास आता है यहाँ पर, इसको आप फर्स्ट केस में इतनी आसानी से आप कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड केस आता है इफ़ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अगर बच्चों यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स को ले लिया जाए बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उन एटम्स की सेम है। अब ये ई एन क्या चीज़ है बच्चों, ये ई एन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है बच्चों यहाँ पर, छीना झपटी की एक प्रॉपर्टी होती है। यस, दो एटम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और ए एटम है, दोनों एटम सेम है। अगर दो एटम यहाँ पर डिफरेंट हो, एक एटम ए है एक एटम बी है, और उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर्ड है। अब ए ने क्या किया कि उसने बी के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ए अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा था, उसने बी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया।
एंड इसी नेचर की वजह से जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे बच्चों वो बी से ज़्यादा होगी. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर्ड हो चुके थे बीच में, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब जैसे आप देखते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है या कंसिडरेबल उसका डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, जीरो के आसपास आ रहा है, एंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो उसकी रेडियस हम एट कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी. मीन्स रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी हम कर देंगे तो वो हमें कोवेलेंट रेडियस वहाँ पर डी ए बी की कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी. इन तीनों केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट केस अपने पास थर्ड वाला आने वाला है, जहाँ पर एलिमेंट्स भी डिफरेंट है एंड उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी बच्चों डिफरेंट है. मींस एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है और एक बहुत कम. मीन्स एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. उस केस में हमें एक स्पेशल इक्वेशन शोमेकर स्टीवेंशन इक्वेशन को बच्चों यूज़ करना पड़ता है कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए. कैसे? डी ए बी जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है ए बी के बीच की, वो कोवेलेंट रेडियस है, उसको हम किस तरह से निकालेंगे कि आर ए प्लस आर बी जो रेडियस होगी ए एटम की एंड प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.09, इसको कहते हैं बच्चों जाई ए माइनस जाई बी. इसको इस तरह से लिखा जाता है एक्स करके, जाई ए माइनस जाई बी इसको कहते हैं. और ये क्या चीज़ें हैं देखिए बच्चों, जो डी ए बी है एंड आर है ए है आर बी है रेडियस ऑफ बी है, इनको हम एंगस्ट्रॉन यूनिट्स में मेज़र करते हैं. एंगस्ट्रॉन, वन एंगस्ट्रॉन का मतलब बच्चों होता है यस 10^-10 मीटर्स. वन एंगस्ट्रॉन को हम बहुत बढ़िया यूनिट लेते हैं एटॉमिक रेडियस को काउंट करने के लिए. और न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम फर्मी लेते हैं, 1F फर्मी. फर्मी का मतलब बच्चों होता है 10^-15 मीटर्स, उसको हम कहते हैं फर्मी. यहाँ पर अपने पास डी ए बी आर ए आर बी एंगस्ट्रॉन यूनिट में है एंड जाई ए माइनस जाई बी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बच्चों, उसको कहेंगे जाई ए माइनस जाई बी. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे भी जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में. जो आर ए होगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो हमने ऊपर अभी पढ़ा हुआ है आर ए को निकालने के लिए, जो कोवेलेंट रेडियस को हम हाफ कर देंगे तो उससे इसकी रेडियस आ जाएगी, और प्लस हाफ करेंगे तो उससे यहाँ पर आर बी रेडियस आ जाएगी. अगर हम डी बी बी डिवाइड बाई टू करेंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाई टू कर देंगे तो रेडियस ऑफ बी आ जाएगी, और ए की बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाई टू करेंगे तो यहाँ पर आर ए हमें मिल जाएगा. सो इस तरह से स्टीवेंशन शोमेकर स्टीवेंशन इक्वेशन से हम कोवेलेंट रेडियस को बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उसमें एलिमेंट भी डिफरेंट हैं एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी यहाँ पर डिफरेंट हैं. अगला बच्चों अपने पास आता है वेंडरवॉल रेडियस. यस, वेंडरवॉल रेडियस किस में होगा? वेंडरवॉल फोर्स जिन एटम्स या जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसमें वेंडरवॉल रेडियस हम मेज़र करेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वेंडरवॉल रेडियस कहाँ मिलती है, किन एलिमेंट्स में वेंडरवॉल रेडियस मिलती है. यस बच्चों, नोबल गैसेस वेंडरवॉल रेडियस से जुड़ी होती हैं. अब आप कहोगे सर नोबल गैसेस तो अपने अलग रहने वाले गैसेज होती हैं, उनके तो ऑक्टेट एंड हीलियम का ड्यूप्लेट कम्प्लीट होता है, सो वो तो अलग रहती हैं. यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर दो नोबल गैसेस के बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है उसको भी हम वेंडरवॉल रेडियस से काउंट कर सकते हैं. दूसरा, कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के लिए हम वेंडरवॉल रेडियस का यूज़ करते हैं. यस, नॉन मेटालिक लाइक हाइड्रोजन है एंड अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो उसके लिए हम वेंडरवॉल रेडियस का यूज़ करेंगे. वेंडरवॉल रेडियस बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो दिस इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ टू इनर्ट गैस. बाप रे, भारी भरकम यहाँ पर डेफिनेशन है. इसको हम बहुत आसान एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है बच्चों, अपने पास अगर हमने एक H2 का मॉलिक्यूल इधर लिया, आप देख रहे हो H2 का मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी कोवेलेंट रेडियस आएगी. अगर हम यहाँ से यहाँ तक की, जैसे आप इस साइड देखोगे
ये जो एक H2 का मॉलिक्यूल है, इसके जो H और H के बीच जो डिस्टेंस है, दिस इज कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पर जो डिस्टेंस आप देख रहे हो बच्चों, ये कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी, ये यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस होगी। ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, दिस इज कोवेलेंट रेडियस, इसको हाफ कर देंगे हम तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। और एक H2 का मॉलिक्यूल इधर है बच्चों, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल इधर है, और जो सबसे नज़दीक वाले H एटम्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। और उस डिस्टेंस को बच्चों अगर हम हाफ़ करते हैं तो वैन डर वाल रेडियस हो जाती है, मीन्स क्लोजेस्ट जो सक्सेसिव न्यूक्लियाई होते हैं, जो क्लोजेस्ट होते हैं उनके बीच में जो दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये दूसरा मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और इनके बीच में ये जो सक्सेसिव न्यूक्लियाई है, मींस इसके और इसके बीच में जो ये डी लिखा हुआ है, दैट इज वैन डर वाल रेडियस। और अगर हम इसको वन हाफ कर दें, बीच में से डिवाइड कर दें, तो ये वैन डर वाल रेडियस यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इट्स वंडर वॉल रेडियस इज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटर न्यूक्लियर, जो डिस्टेंस होगी उसका वन हाफ करने से हमें वंडर वॉल रेडियस मिल जाएगी। वंडर वॉल रेडियस बच्चों कुछ नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यस, ये एटम्स के बीच में नहीं होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। लाइक एक H2 मॉलिक्यूल इधर है, एक H2 मॉलिक्यूल इधर है, और उनके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस आ रही है, दैट इज़ दैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये आ जाता है कि इन ऑर्डर्स जो रेडियस है, इनका ऑर्डर क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस बड़ी होगी कि कोवेलेंट रेडियस बड़ी होगी। जैसे आप डायग्राम देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वैन डर वाल रेडियस बच्चों बड़ी होने वाली है कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, दोनों आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ये देखिए बच्चों, इसके अंदर कोवेलेंट रेडियस होगी और ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, दो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करने से उनमें जो कोवेलेंट रेडियस है वो कम हो जाती हो, और वैन डर वाल रेडियस यहाँ पर बड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। तो वैन डर वाल रेडियस बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वीक इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी होती है। और कोवेलेंट रेडियस एक स्ट्रांग रेडियस होती है, और दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मींस ओवरलैप होने वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में बनती है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से उसकी रेडियस में कमी आ जाती है। सो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर होने वाला है आपके लिए, ऑर्डर ऑफ रेडियस, वैन डर वाल रेडियस बड़ी होती है बच्चों कोवेलेंट रेडियस से। थर्ड अपने पास आता है मेटालिक रेडियस। यस, मेटल के जो एटम्स होते हैं, मेटल आयन्स होते हैं, उनमें किस तरह से रेडियस को हम देखते हैं। सो इसमें भी वन हाफ डिस्टेंस होगी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स ऑफ अ मेटल लैटिस। आपको दो एटम बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, M और M, दो मेटल एटम हैं, और उनके बीच में जो इस तरह से न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको कहेंगे इनकी बॉन्ड लेंथ, DMM। और अगर हम इस बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दें, तो ये हाफ करने से यहाँ पर आ जाएगी आपके पास मेटालिक रेडियस RM। इस तरह से आपको मेटालिक रेडियस RM दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर और यहाँ पर, ये RM है। जैसे हम इसको M1 मान ले, इसको M2 मान ले, तो ये M1 की डिस्टेंस हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी बच्चों M2 की डिस्टेंस। सो M1 एंड M2 की इस तरह से हम डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, एंड दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑफ टू मेटल आयन्स। ये होती है बच्चों मेटालिक रेडियस। क्वेश्चन इसमें से थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके लिए ऑर्डर ऑफ रेडियस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों अपने पास आता है, तीनों का कंपैरिजन अगर हम करके देखते हैं कि मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस में कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होगी। यस, बिकॉज ऑफ वीक इंटर न्यूक्लियर फोर्स, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होने वाली है, उसके बाद मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होगी कोवेलेंट रेडियस। रीज़न क्या होगा बच्चों, कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दो एटम्स के वो ओवरलैप हो रहे हैं, और ओवरलैपिंग होने की वजह से कोवेलेंट रेडियस बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। और वैन डर वाल बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस, तो वो इतने टाइटली तो अट्रैक्ट होते नहीं है दो मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी बहुत ज़्यादा होगी
कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में। सो ये एक और ऑर्डर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अपने पास जो फोर्थ है बच्चों वो है आयनिक रेडियस। यस, पहले हमने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद वैन डर वाल रेडियस, देन मेटालिक रेडियस। इसमें सबसे बड़ा था वैन डर वाल, उसके बाद मेटालिक, एंड देन यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस। अब बच्चों फोर्थ है आयनिक रेडियस, और इसमें से अच्छे खासे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आयनिक रेडियस में क्या होगा कि आयन्स में हम इसको मेजर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन। मीन्स एक आयन में न्यूक्लियस में आप खड़े हो जाओ और आयन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे आयनिक रेडियस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आयन्स तो हमने कह दिया कि ये आयन्स में चेक करते हैं आयनिक रेडियस को, ये आयन्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या कहानी है। आयन्स यहाँ पर दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। यस, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा आयन्स कैटायन एंड एनायन, आपको दो आयन्स देखने को मिलेंगे। अब कैटायन बच्चों कैसे, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है बहुत समराइज तरीके से मैंने लिखा हुआ है। कैटायन का मतलब होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, यस मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। और अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा। अगर Na में से हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर लें तो जो चार्ज आएगा बच्चों वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और वन पॉजिटिव ही क्यों आया, क्योंकि हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर हम Mg में से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर लें तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव। मीन्स कैटायन बनते हैं बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हमने ध्यान से देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसकी रेडियस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने देखा कि Na के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स बनेंगे, कौन से पीरियड में है बच्चों, ये थर्ड पीरियड में। मीन्स कितने नंबर ऑफ शेल्स बनेंगे, तीन बनेंगे, 2, 8 एंड 1। आपके पास Na में तीन नंबर ऑफ शेल्स आए, ठीक है। आपने कहा कि यार इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। जैसे ही आपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हटाया इस पे आ गया पॉजिटिव का चार्ज, और तीन शेल्स में से एक शेल हो गई गायब, ठीक, उसमें अब इलेक्ट्रॉन है नहीं। आपके पास बची हुई है सिर्फ दो शेल। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि ये न्यूक्लियस है, इसमें ये 1, 2, 3 शेल बनाई हुई है, और ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसमें 1 और 2 शेल बनाई हुई है, आपको किसका साइज छोटा दिखाई दे रहा है। यस, आप कहोगे सर 2 शेल वाली का साइज छोटा है। मीन्स जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा हो जाता है अपने पेरेंट एटम से, और उसका रीजन क्या हो सकता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन द शेल ऑफ द एटम कैन बी एम्प्टी, वहां पर वो शेल खाली हो जाएगा। और हमें पता है कि हमें डिस्टेंस कहां से कहां तक चेक करनी है, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की, और एक शेल अगर पूरा का पूरा गायब हो चुका है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन जो रेडियस होगी वो बहुत कम होने वाली है। दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो नो लॉन्गर द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन नो लॉन्गर कॉन्ट्रीब्यूट टू शील्डिंग ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग वर्ड कहाँ से आया बच्चों, पार्ट नंबर 5 जो मैंने बनाया है शील्डिंग इफेक्ट, वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर के देखें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 5 का, वहाँ से आपने उसको ज़रूर देखना है, बिकॉज वो एक बेसिक लेक्चर है। सारी यहाँ पर जितनी भी पीरियोडिक ट्रेंड्स में प्रॉपर्टीज़ होंगी उनका एक बेसिक लेक्चर होने वाला है, और उसी में हमने शील्डिंग इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आपको सेकंड पार्ट इसका समझ में ना आए तो आपने वो लेक्चर ज़रूर देखना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक समरी टाइप में बता देता हूँ कि जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें सब में नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने से एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, जो रिपल्शन होता है उससे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। सो द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, अब वहां पर जब इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया तो रिपल्शन ही खत्म हो गया,
जब पहले 11 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे हैं, सो रिपल्शन कम हो गया। जब रिपल्शन कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है बच्चों, जब रिपल्शन ज़्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ये सारी चीज़ें, ये दूसरा पॉइंट हम प्रीवियस लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कवर कर चुके हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे बच्चों, और एक्सेप्शन के अंदर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला लेक्चर जरूर देखना है, तभी आप एक्सेप्शंस को पढ़ना, तभी आपके बच्चों समझ में आएंगे। जो वहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, उसके लिए आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जानना बहुत ज़रूरी होगा। सो प्लीज़ आपने वो पार्ट नंबर 5 यहाँ पर देखना है, उसी के बाद आपने कंटिन्यू करना है। सो बच्चों, कंक्लूजन ये निकला कि कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म होगा और उससे रेडियस में अच्छी खासी डिक्रीज आ जाएगी, रेडियस में कमी आ जाएगी। ठीक है सर, इतना आ गया समझ में। एनायन का क्या सीन है? एनायन मतलब होता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाता है। अपने पास ऑक्सीजन है, उसमें 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब वो 2 और 6 बना रहा है, 2 शेल्स बना रहे हैं। हमने कहा इसको स्टेबल किया जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए, क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इसमें आ गया 2 नेगेटिव का चार्ज। मींस एनायन कैसे बनते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है बच्चों नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उनके बीच में आ जाएगा, उनके ऊपर हम उतना नेगेटिव चार्ज रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि एनायन बनने से रेडियस में क्या होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यस, रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, पहले ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक था, रिपल्शन 8 इलेक्ट्रॉन का था, अब आपने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, अब रिपल्शन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का, रिपल्शन इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगी, सो द एडेड इलेक्ट्रॉन रिपेल द अदर इलेक्ट्रॉन विच इंक्रीजेस द रेडियस। क्लियर हो गया बच्चों? कैटायन के अंदर रेडियस डिक्रीज हो जाएगी और एनायन के अंदर रेडियस इंक्रीज होगी, बिकॉज एडेड इलेक्ट्रॉन इन एनायन रिपेल ईच अदर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ साइज पूछा हुआ है अपने पास इस तरह का। पेरेंट एटम है बच्चों अपने पास, अगर हमने एक पेरेंट एटम एम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, कैटायन बनाया और इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दिया, मीन्स हमने एनायन भी बनवा दिया, सो उसमें इलेक्ट्रॉन वहां पर रेडियस का क्या ऑर्डर होने वाला है? यस, एनायन की रेडियस सबसे बड़ी होगी, फिर पेरेंट एटम और फिर कैटायन की रेडियस यहां पर बनने वाली है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन तो बच्चों यहां से ये बन जाता है, और ये स्कूल लेवल क्वेश्चंस में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम चेक करते हैं बच्चों। अगर बच्चों अपने पास केस है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या चीज़ होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब बच्चों ऐसे एटम्स या कैटायन या एनायन जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और इस तरह की स्पीशीज में कैसे एटॉमिक रेडियस को निकालते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास, वो सेम होने वाले हैं। जैसे कि अपने पास है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अब ये नाइट्रोजन 3 नेगेटिव किस तरह से बना, वो हमारा क्लियर हो गया है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मीन्स 2, 5। अब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सो उसके ऊपर ओवरऑल जो है 3 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपके आता है। सो हमने नाइट्रोजन 3 नेगेटिव लिया, ऑक्साइड लिया 2 नेगेटिव, फ्लोराइड आयन लिया F-, सोडियम कैटायन लिया Mg2+ और Al3+। Al3+ क्यों होगा? क्योंकि Al13 है, और उसमें से लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लूज कर देते हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा 3+ का चार्ज। अब इनमें एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होने वाला है बच्चों? प्रोटॉन को अगर हम देखते हैं, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है प्रोटॉन, तो नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन 9, 11, 12, 13, इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर भी रखे। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे जैसे बच्चों प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज,
और वो न्यूक्लियॉन्स में उसका मास भी बहुत ज़्यादा होता है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं 10, सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, सो जिसके अंदर प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन उतनी ही अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। सो एल्युमिनियम में अपने पास 13 प्रोटॉन हैं और वो 10 इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, सो वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो 12 प्रोटॉन और 13 प्रोटॉन में से किस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? यस, 13 प्रोटॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर लगाएंगे। सो क्लियर हो गया कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन का नंबर बढ़ाएगा आयनिक रेडियस की वैल्यू उतनी ही कम होती रहेगी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और बच्चों रीज़न यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ईजली एंड आयनिक साइज डिक्रीज, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर लगेगा। इस तरह से हमने बच्चों 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट, वेंडरवॉल, मेटालिक एंड आयनिक रेडियस का हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी देखी। इसमें अगर हम ऑर्डर बताएं तो वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होने वाली है बिकॉज वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक फोर्स होता है बच्चों, इंटर न्यूक्लियर फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा। उसके बाद मेटालिक रेडियस एंड देन सबसे छोटे होने वाली है कोवेलेंट रेडियस बिकॉज कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होती है। आयनिक रेडियस का ऑर्डर हमने पढ़ा या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए कैसे आयनिक रेडियस का ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस जनरली विदाउट एनी एक्सेप्शन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन का वीडियो हम अगला बनाएंगे जिसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं जनरली जो ट्रेंड होना चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर बच्चों जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अब ये जेड इफेक्टिव कहाँ से आया, इसको भी बच्चों हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं जो हम पार्ट नंबर 5 में अपना कवर कर चुके हैं। सो पार्ट नंबर 5 का पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए, आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बहुत अच्छे से बच्चों वहाँ से देखना है। रीज़न क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव होता है इंक्रीज। अगर आप देखोगे कि प्रोटॉन का नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ते जा रहा है और जेड इफेक्टिव उससे इंक्रीज होगा और साइज बच्चों डिक्रीज होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही डिस्टेंस प्रोटॉन डिस्टेंस भी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो जाएगा और रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप में जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम, बच्चों आपने इसको नोट करना है, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव की वैल्यू आती है 2.2, मीन्स वो डाउन द ग्रुप सेम होगी। जब जेड इफेक्टिव सेम होगा तो वो तो एक फैक्टर अपने पास है नहीं, क्योंकि अगर वो सेम हो गया तो वो फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। सो बच्चों डाउन द ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, जैसे 2 पीरियड का मतलब होगा कि नंबर ऑफ शेल उसमें कितने होंगे, 2 होंगे KLn। अगर 3 अपने पास पीरियड हैं तो उसका नंबर ऑफ शेल होगा KL and M, 3 नंबर ऑफ शेल होंगे। तो बताइए कि दूसरे पीरियड में रेडियस बड़ी होगी या तीसरे पीरियड में बड़ी होगी? ऑब्वियसली सर तीसरे पीरियड में बड़ी रेडियस होगी बिकॉज इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे। सो डाउन द ग्रुप बच्चों जैसे जैसे हम 1 to 7 पीरियड में चलते हैं एटॉमिक रेडियस जनरली वहाँ पर इंक्रीज होती रहती है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द पीरियड नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। सो बच्चों आज हमने यहाँ पर पढ़ा एटॉमिक रेडियस जो जनरल टाइप्स एटॉमिक रेडियस के हैं एंड ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस जनरली विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगला लेक्चर जो बच्चों अपना होने वाला है वो एक्सेप्शंस के ऊपर होने वाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो एंट्रेंस एग्जाम्स में बच्चों मोस्टली एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4D 5D में क्या एक्सेप्शन है, सो उसको पढ़ने से पहले आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए एंड NCERTs को ज़रूर यहाँ पर फॉलो कीजिए। आगे बच्चों हम अपना एक्सेप्शन वहाँ पर देखेंगे। सो इससे पहले आपने ये पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से यहाँ पर रिवाइज कर लेना है और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं NCERT से लाइन बाय लाइन आपने वो पढ़ लेनी है। सो बच्चों मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।